अच्छा मैं वो दो मिनट आसू फूड इंस्पेक्टर आ रहा हूँ चेकिंग 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 आओ थोड़ा जल्दी दो मिनट आओ आओ क्वालिटी को कंसर्न थे और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन हमने ये किया है कि डिफरेंट फूड आइटम्स के सैम्पलिंग की है और सैंपल हम फूड लैब में भेजेंगे, वहाँ इसकी क्वालिटी एनालाइज करना है। बहुत ज़्यादा कन्फेक्शनरीज के लिए हैं और किराना के आइटम्स के लिए हैं। तो उसके अलावा हमने जैसे फूड आइटम ये फ्रूट्स वेजिटेबल शॉप्स भी देखी हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स हैं वो कुछ हमने ऑन स्पॉट डिस्ट्राई की हैं और स्वीट शॉप्स हमने देखी हैं। स्वीट शॉप्स में कोई हमने एक दो तीन दो चलान इंसैनिटी कंडीशन में रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने आज पॉलीथीन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है क्योंकि मैं फूड आइटम पे ही पर्टिकुलरली फोकस कर रहा था बीइंग फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट एज पर वो रूटीन में रहता ही है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये डायरेक्टली कंसर्न है और हम भी उसमें टीम कंसर्न करते रहते हैं, करते हैं। आज जो था आज सिर्फ फूड के माध्यम से ये कहना चाहूँगा तमाम अपने जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर कि जब भी वो कोई चीज़ फूड आइटम्स लेते हैं तो फूड आइटम्स पे एटलीस्ट ख़रीदते समय उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर ज़रूर देखें। और मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ कुछ आइटम्स के ऊपर एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और आगे आपको बेस्ट बिफोर दिया जाता है, वो चीज़ ख़रीदने से पहले ज़रूर दिया जाता है और उसका बिल ज़रूर दिया करें।